अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको एक ऐसा सिस्टम दिखा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा पानी दे रहा है। इस सिस्टम के साथ PH 640 ट्रैक्टर यूज़ हुआ है और शाफ्ट सिस्टम यूज़ किया गया है, PTO शाफ्ट और बड़ी सी पुली जो कि 32 इंच की है, RPM को बढ़ाने के लिए यूज़ की गई है। इस सिस्टम के साथ बड़ा सा पंप और इस सिस्टम की डिलीवरी जो है वो 6 इंच की है। ये पंजाब ही का इलाका है और रेतला इलाका है, यहाँ पर ये सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। बहुत हाई प्रेशर है इसका, ये देख लें पानी, आप देख लें 6 इंच की डिलीवरी के साथ बहुत ज़्यादा इसका प्रेशर है और ये एक दिन में तकरीबन 5-6 एकड़ रकबा सराब कर रहा है। मैं लास्ट में आपको फार्मर का इंटरव्यू भी सुनाऊंगा। अच्छा दोस्तों, आपने यहाँ पे एक बात नोट करनी है, यहाँ पे वाटर लेवल काफ़ी नीचे है, इसके बावजूद भी इसका बहुत प्रेशर वाला पानी है, जबकि ट्रैक्टर बहुत ही स्लो स्पीड में चल रहा है। दोस्तों मैं आपको इस सिस्टम का पंप दिखाता हूँ जो कि बहुत ही बड़े साइज़ का है। ये 6-7 का पंप है, ऊपर वाला जो पाइप है वो 6 इंच का है, नीचे 7 इंच का है और हाई प्रेशर इसका पानी है, हालांकि ये ग्राउंड लेवल पे फिट किया गया है। भाई साहब, ये एक दिन में कितने एकड़ रकबा सैराब करता है? 5 एकड़ डेली बेस पे। और इसकी ये डिलीवरी 6 इंच की है और यहाँ पे वाटर लेवल कितने है, पानी कितना नीचे है, कितने फुट तकरीबन? 20-25 फीट। और ट्रैक्टर फीएट 640 है जी भाई। और कितने लीटर खाता है एक दिन में? एक दिन में जी 6 टैंक फुल, यानी के अंदाजा 3.5 लीटर खा जाता है एक घंटे में। 3.5 लीटर पानी बहुत ज़्यादा है इसका, बड़ा पसंद आया मुझे पानी, ज़बरदस्त सिस्टम। दोस्तों 3.5 लीटर डीजल ये एक घंटे में सर्व करता है फीएट, और यहाँ पे वाटर लेवल 25 फीट के करीब है और 5 से 6 एकड़ रकबा सराब करता है। और मज़े की बात है, ये फीएट ट्रैक्टर बहुत ही स्लो स्पीड में चल रहा है, हालांकि यहाँ पे वाटर लेवल काफ़ी डीप है। ये ट्रैक्टर एक घंटे में सिर्फ 3 या 3.5 लीटर डीजल सर्व कर रहा है। मुझे ये सदा बहुत पसंद आया है, यकीन आपको भी पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरी अगर हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।